छात्रों को विधायी जानकारी देने के लिए सिवान के इस टाउन हॉल में युवा बाल संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम विधानसभा के अध्यक्ष, कई मंत्री, कई विधायक मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में ये युवा संसद का आयोजन किया गया है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सिवान टाउन हॉल की तस्वीर है। और जो बाल संसद का आयोजन किया गया, इसमें तमाम जो लोग हैं, जो माननीय सदस्य हैं, वो जो छात्र हैं, स्कूली छात्र हैं, उनको बनाया गया है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री, युवा संसद के जो मुख्यमंत्री है, उनको बनाया गया है। तमाम जो विभाग के मंत्री हैं, वो आज छात्र की भूमिका में है, और छात्र जो है वो सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, और छात्र खुद सवाल भी कर रहे हैं। देखिए, तस्वीर जो दिखा रहे हैं, तमाम जो माननीय सदस्य हैं, जिस तरह से विधानमंडल के अंदर माननीय सदस्य सरकार से सवाल करते हैं, सरकार की तरफ से मंत्री का जवाब आता है, और माननीय अध्यक्ष जो है वो एक तरह से अभिभावक की भूमिका में होते हैं। और ठीक उसी प्रकार युवा संसद में तमाम माननीय छात्र हैं जो माननीय की भूमिका में हैं, और वो सवाल कर सरकार से जवाब भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका है, नेता विरोधी दल की भूमिका है, सचेतक है, मुख्य सचेतक है। तमाम जो छात्र हैं, खासतौर पर जो स्कूली छात्र हैं, उनको कैसे विधायी जानकारी हो, संसदीय प्रणाली का उनको ज्ञान हो, और आने वाले समय में वो कैसे देश का नेतृत्व करे, राज्य का नेतृत्व करे, अपने समाज का नेतृत्व करे, इसी कोशिश में तमाम लोग लगे हुए हैं। और सवाल जवाब वाद विवाद, खासतौर पर जो सदन के अंदर प्रश्नोत्तर काल होता है, उसके बाद ध्यानकर्षण होता है, तमाम जो विधायी कार्य होती हैं, उसी कार्य को इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग मौजूद हैं, माननीय विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उनकी मौजूदगी है, और जो स्पीकर की भूमिका में भी जो है वो छात्र हैं। तो सभी लोगों की मौजूदगी है, और छात्रों की एक कोशिश है कि कैसे छात्र जो है विधायी जानकारी उनको मिल सके, संसदीय प्रणाली का ज्ञान हो सके, और आने वाले समय में जब छात्र पढ़कर निकले, जब पढ़ाई उनकी पूरी हो, तो वो कैसे राजनीति में भी अपनी सेवा कर सके, विधायी जानकारी हो सके, विधायी प्रणाली को आगे कैसे बढ़ाए, देश के का, समाज का और राज्य का कैसे नेतृत्व करें, इसी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस बाल संसद के माध्यम से तमाम छात्रों को एक तरह से अवेयर भी किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि वो भी संसदीय प्रणाली का ज्ञान कर सके। मैं सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, सिवान।